everyone, Hare Krishna. Welcome back to my channel Rupali's Activity. Hope you all are doing well and maybe बहुत बढ़िया हो. आज मैं बहुत ही excited and खुश हूँ क्योंकि आज जो है एक special चीज़ बनाने वाली हूँ, एक special recipe बनाने वाली हूँ. अरे हाथ दुख रहा है यार. तो वो recipe क्या है मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले recipe के बारे में बताती हूँ, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स है हमारी फैमिली के डिमांड आया है कि ये वाला रेसिपी आप बनाई, और दे आर वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस रेसिपी आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो इसलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो ये जो रेसिपी है हमारे बिष्णुप्रिया मणिपुरी कास्ट की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, एंड सस्पेंस में रख रही हूँ अभी आप सबको. तो चलिए मेरे साथ किचन में एंड आप सबको दिखाऊँगी कि क्या बनाने वाली हूँ. ठीक है, सो लेट्स गो. सो मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है, मेरे इस छोटी से किचन में. तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ उसका नाम है खार. हमारी बिष्णुप्रिया मणिपुरी में खार बोलते हैं, खार, और शायद असामीज लोग भी खार बोलते हैं. तो खार को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ये भी चाहिए. इसको हम बोलते हैं केन्ना. ये एक्चुअली चाइनीज़ भी यूज़ करते हैं ये चीज़. चाइनीज़ में इसको चाओ चाओ समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे लैंग्वेज में इसको नन्नम बोलते हैं. सो रेसिपी की और नज़र डालते हैं. तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने भिगो के रखा है राजमा और मटर, साथ ही साथ मूंग दाल थोड़ा सा मैंने ऐड किया है थोड़ा ग्रेवीनेस आने के लिए. सो इट विल बी वेरी टेस्टी. तो अभी जो है गैस पे चढ़ा दिया है मैंने, तो इसमें 3 से 4 सीटी तक हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी की वजह से, पता नहीं शायद मे भी हो सकता है पानी की वजह से थोड़ा कुक होने में समय लगता है. तो इसलिए मैं 4 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद आगे की प्रोसेस. तो अभी जो है मैं मिर्ची ऐड करूँगी इसमें. एक मिर्ची ले लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लूँगी, बस 2 लूँगी. तो देखिए अभी मैं ये 2 मिर्ची डाल रही हूँ. मैंने काट करके नहीं डाला इसको, क्योंकि मम्मी ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती, और बच्चे भी है शायद, अगर ओजस इनकेस खा लेता है तो वो भी खा सकता है अगर चाहे तो. इसलिए मैं इसको बस ऐसे ही रख रही हूँ, जिसको चाहिए होगा वो मैश करके खा लेंगे. सो अभी मैंने ये सीटी बंद कर दिया है. तो यहाँ पे ये जो नन्नाम है इसको मैं इतना सारा तो नहीं डालूँगी, बहुत हो जाएगा. सो मैं अभी कूट रही हूँ इतना सा, आधा आधा करके रखूँगी, एक तड़का लगाने के लिए और दूसरा लास्ट में गार्निश करने के लिए. सो हियर इज नन्नाम चॉप. तो अभी जो है मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ. लाइक ये जो 5 फ़ोरन है ये रख रही हूँ, और जो मिर्ची सूखी लाल मिर्च है वो रख रही हूँ, साथ में ये जो नन्नाम है ये भी. ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये. एक्चुअली शायद लोग तड़का नहीं लगाते इसमें, ये हो गया, तो तड़का नहीं लगाते. लेकिन मेरी जो जेठानी है, बड़ी वाली जेठानी, उन्होंने बोला कि तड़का लगाओ बहुत टेस्टी होगा. तो उन्होंने दिखाया था कैसे बनाना है खार, तो उन्होंने जो सिखाया था वैसे बना रही हूँ. बाकी जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डालने से बहुत दुगना टेस्टी होता है, लेकिन मेरे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता है. तो जितना हो सके, मतलब मेरे पास जितना इंग्रेडिएंट्स है तो उसी के साथ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ. सो फिर भी इट विल बी वेरी टेस्टी, आई नो दैट. सो तो देखिए यहाँ पर मैंने ये तैयार कर दिया है. कुछ नहीं चाहिए इसमें, कुछ नहीं चाहिए, मसाला भी नहीं चाहिए. ये ऐसी एक रेसिपी है गाइस, आप लोग घर में ट्राई करिएगा, ये देखने के बाद ट्राई करिएगा, एंड आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा. एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए मटर अभी कुक हो चुकी है 4 सीटी लगाने के बाद. तो अभी जो है मैं इसको यहाँ कढ़ाई पे डालूँगी, बिकॉज़ कुकर बहुत छोटी है, तो बड़ी पतीला चाहिए उबालने के लिए.
तो अभी उबालूंगी। उबालते वक्त ही हमारा जो खार का प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। तो अभी ये देखिए, ये देखिए पूरा पक चुकी है, इसका मतलब बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो गाइस देखिए उबालना शुरू हो गया है। देखिए तो अभी जो है मैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे खार बनती है, जिसके बिना खार नहीं बनेगी, तो वो है ये सोडा। आपको उल्टी दिख रही है शायद, वीडियो में उल्टी दिख रही है। तो ये है सोडा, जो खाने वाले सोडा नहीं होता वो। सो इसी से हम बनाएंगे खार। तो इसको मैं अभी डालूंगी, इसके बिना खार बनेगा ही नहीं। क्योंकि खार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सोडा है ये सोडे से बनाते हैं, सोडा डाल के बनाते हैं, इसलिए इसका नाम खार है। ठीक है, तो नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक स्पून ऐड कर रही हूँ सोडा। ध्यान रहे इसको डालने के बाद आपका जो गैस है उसको कम कर देना है, जो फ्लेम है उसको कम कर देना है, वरना ये उबाल के ऊपर गिर सकती है, मतलब ओवरफ्लो हो सकती है, बिकॉज़ इसमें सोडा डालने से ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए नींबू के छिलके जो है उसको मैं ऐड कर रही हूँ। वैसे तो नींबू के पत्ते ऐड करते हुए मैंने देखा है, छिलके तो मैंने देखा नहीं है, बट आई एम कन्फ्यूज। बट क्या करें, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है दिल्ली में, बस मेरे पास यही था। सो आई एम एडिंग दिस एंड आई थिंक अच्छा ही होगा। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर तड़का। तो यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, अभी मैं ऐड कर रही हूँ हमारा जो पाँच फूरन है, फिर मिर्ची, उसके बाद ये जो नाम है इसको डाल देनी है, बस ख़त्म। अब इसको जाके मैं डालूँगी तड़का। अब जो है मैं तड़का लगाऊँगी, काफ़ी भारी है यार, तड़का लगा लिया है। ये देखिए, कोई कोई लोग हैं जो तड़का नहीं लगाते, पर हमने लगाया। अब आप देखिए तड़का लगाने के बाद कैसा लुक आया है। यार मेरे मुंह में पानी आ रही है यार, और साथ ही साथ नमक भी ऐड कर रही हूँ। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक, यू कैन सी, यम यम। तो देखिए हमारा खार हो गया है तैयार। ये देखिए बहुत टेस्टी होने वाला है गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। देखिए यहाँ से देखिए, अब हम इसमें डालेंगे ये पत्ती। अभी जो है मैं ये देने वाली हूँ ऊपर दीदी के पास, मेरी जेठानी जो है ऊपर, उनको जाके दूंगी ये। तो गाइस ऊपर दे के आ गई, और दीदी ने भी ये दिया है मछली, और ये अरबी की इरोल्पा, विष्णुप्रिया मणिपुरी डिश इरोल्पा। लिटरली आज जो है इन सब के लिए पार्टी है, पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं है, क्योंकि मैं फ़िश और इरोल्पा नहीं खाती, ये सब फ़िश से बनता है तो मैं फ़िश नहीं खाती। एज यू नो आई एम ए वेजिटेरियन, सो मैं बस खार खाऊँगी। सो फाइनली लंच सर्विंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग कलर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये हो गया फ़िश करी, और ये हो गया आपका फ़िश एग इरोल्पा, देन बस एक ही क्यूकम्बर, और ये देखिए। और यहाँ पे मेरी जो सब्जी है बन रही है। तो हमारे महाराज अभी खाने में बैठ गए। खार की सदस्य। सो गाइस अभी जो है खाने की बारी है। सो मेरा जो डिश है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, पिज्जा रही, मेरा कोई पार्टी नहीं, इन लोग का पार्टी है। ये देखो आप पार्टी मना रहे, और आपका बाल आज क्या हो गया, शैम्पू किया है आपने? अच्छा मज़ा आ गया तो खाने। और ये दीदी ने दिया है ये, और वो कितने दिन बाद खा रहे हो? सालों बाद खा रहे हैं। जो मतलब गांव में हम बनाते थे, नहीं हम तो, मैं तो नहीं बनाती थी, मम्मी लोग बनाते थे, और आप और मम्मी भी बनाती थी ना पहले। असम में बहुत ही फेमस है खार, तो वो वाला टेस्ट लग रहा है क्या? एग्जैक्टली वही है। मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ क्या? और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इतना नहीं है, वहाँ पे तो वो उसे ही डालते हैं ना।
और जैक फ्रूट सीड्स भी डालते हैं। फ्रूट का जो सीड्स है ना वो डालने से बहुत ही मतलब दुगना हो जाता है टेस्ट। खा ले और भी चाहिए चाहिए, अगर चखने के लिए है मैंने रखा है। देखिए मेरे सब्जी, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने खा यहाँ पे लिया है बेचारी। मेरा वाला और भी टेस्टी हुआ क्योंकि मैंने ये जो मिर्ची है ना उसको मैश कर दिया, मेरे खाने में मैश कर दिया, मुझे तीखा अच्छा लगता है। मैं तो तीखा खाना आता भी नहीं। सो माय लविंग व्यूअर्स, आज के ब्लॉग में ये भी खत्म करती हूँ। मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा भर गया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा खार बनाने की रेसिपी, एंड प्लीज़ घर पे आप ट्राई करिएगा। मणिपुरी लोग, विष्णुप्रिया मणिपुरी लोगों को वैसे भी पता है, और प्लीज़ खा के एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो फिर आप स्किप करिएगा। लेकिन जैसे कि हम लोग हैबिचुएटेड है, बचपन से खा रहे हैं, सो वी आर यू नो लव खार, वी लव टू ईट खार। सो आशा करते हैं आप सबको भी पसंद आएगा खाने के बाद। सो आप प्लीज़ खा के देखिएगा। एंड ये सोडा होती है ना वो थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा होने से तो आप खा ही नहीं पाओगे, तो इतना भी कम नहीं, लोगों के हिसाब से डालिएगा बस, ठीक है। दो तीन जन, चार जन अगर घर पे है तो आधा चम्मच डाल सकते हो, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा एक चम्मच, तो आधा चम्मच डाल के आप बनाइए। जैसे मैंने दिखाया था रेसिपी, मैंने जैसे दिखाया था उसको फॉलो करके आप लोग बनाएगा, मटर से बनाएगा, बहुत टेस्टी होता है। एंड यस, आज की ब्लॉग ये पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। टिल देन खुश रहिए, हमेशा बोलती हूँ स्वस्थ रहिए, ओके। एंड हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहिए। चलिए बाय बाय।